हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ने जाएंगे। उससे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं सबका फिर से स्वागत करता हूँ। मनीष जी, हाय मनीष, गुड मॉर्निंग। छवि जी, गुड मॉर्निंग। अमन सिंह, गुड मॉर्निंग। एंड प्रतीक्षा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी जी, बिट्टू बॉस, गुड मॉर्निंग। अनीता जी, सीमा जी और भी सारे बच्चे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रितिका जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, अब हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, यही हम उम्मीद कर सकते हैं रोज नई सुबह में। और अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों, फौरन गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप वहां से इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप अपना गोल NTA UGC नेट सेलेक्ट करिए और उसके बाद आप वहां देखेंगे अनअकैडमी आपको 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराता है। और मैं हमेशा आपसे यही कहूंगा कि कम से कम आपको 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान आप लोग लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी से, टॉप एडुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, एंड प्लीज यूज माय रेफरल कोड SAF10, गेट प्रोसीड टू पे एंड गेट 10% एक्स्ट्रा। आपको वहां पे क्या मिल जाएगा बच्चों? ऑफ मिल जाएगा। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। तो चले भाई, एक बार हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास के और अपने सारे बच्चों से। यहाँ पे जिस हिसाब से सारे कमेंट उनके आ रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। मनीष की क्लासेस, हेलो हेलो जी मनीष जी, ठीक है, आपके कई कमेंट आ गए। मनीष की क्लासेस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलें फिलहाल तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि आज हमें जो टॉपिक पढ़नी है वो टॉपिक क्या है। देखो भैया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रिलीवेंसी जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, कह लीजिए NDA की गवर्नमेंट आती है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रिलेवेंसी बढ़ जाती है। UGC फिर इससे क्वेश्चन भी पूछता है। तो कहने का मतलब है कि आपको मालूम होगा ये चीजें जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, सारी की सारी चीजें हम आज आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने रिलेवेंसी की बात इसलिए की है क्योंकि इस गवर्नमेंट पे, क्योंकि इस गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा जो इनकी विचारधारा थी पूरी की पूरी, जो आज बीजेपी की विचारधारा आप देखते होंगे ना, कुछ खास लोगों से प्रेरित होती है, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गए या और भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, मतलब जो जनसंघ से जुड़े लोग हैं या RSS से जुड़े लोग हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी RSS से जुड़े थे। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखते हैं, इनकी फिलॉसफी के बारे में और इनके थॉट्स के बारे में और इनके कुछ बेसिक चीजों के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हमें क्या पढ़ना है। तो चलो बच्चों, आई होप आप लोग स्क्रीन पर टॉपिक आप लोगों को दिख रही होगी। अब हम इत्मीनान के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की टॉपिक। और सबसे पहले इनके बर्न से, जैसे मैं पढ़ाता हूँ कि कोई भी चीज, ही वॉज बॉर्न इन 1916 इन द विलेज ऑफ नागला चंद्रबन, यानी कि 1916 में इनकी पैदाइश हुई, वो कहाँ पे, गांव में जिसका बोलते हैं नागला चंद्रबन। एक्चुअली नागला चंद्रबन ये क्या है, आज दीनदयाल धाम के नाम से जाना जाता है, नियर मथुरा डिस्ट्रिक्ट। आप UP में मथुरा एक जिला, हाँ ठीक है, मथुरा एक जिला पड़ता है, मथुरा UP में, खासकर वेस्ट UP साइड, ठीक है। तो वहीं पे इनके गांव में, एक नागला चंद्रबन गांव है, वहीं पे इनकी पैदाइश हुई थी 1916 को। और इनके जो फादर थे, सर फ्री में PDF मिलेगा के मतलब बच्चों देखो, मैं आपको सारी चीजें यहाँ फ्री भी तो दे रहा हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे सब कुछ यहाँ पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चले फिलहाल तो आप लोग भी कभी कभार ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं, फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल भैया। वैसे आपको बता दूं, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता ना, समझ में आ गया, चले समझदार हैं आप लोग। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा था, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी, वेस्ट यूपी में एक जिला पड़ता है, वहीं पे इनकी पैदाइश हुई थी 1916 में। इनके जो फादर का नाम था वो भगवती प्रसाद उपाध्याय था, वो एक एस्ट्रोलॉजर थे,
ठीक है, वॉज एन एस्ट्रोलॉजर भगवती प्रसाद उपाध्याय। ओके आगे हम देख के चलते हैं, इनकी जो मदर है उनका नाम था राम राम प्यारी उपाध्याय, फादर का नाम था इनके एक सेकेंड भगवती प्रसाद उपाध्याय वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। इनकी मम्मी मतलब माता जी, मम्मी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इनकी माता जी जो है मदर का नाम राम प्यारी उपाध्याय है और एक हाउसवाइफ थी आप यूँ कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम एज के होते हैं, यानी 8 ईयर ओल्ड में होते हैं, जब 8 साल के होते हैं तो इनकी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है, इनके बोथ ऑफ हिज पेरेंट डाइड, यानी कि इनके माता पिता की डेथ हो जाती है। ठीक है, इनके माता पिता की डेथ हो जाती है जब दीनदयाल उपाध्याय 8 ईयर ओल्ड के होते हैं। ओके कुछ लोग हंसने लगे मम्मी पे, है ना, देखो भैया मेघा डोंगरी जी हंस रहे हैं और इनके नाम से कंपटीशन भी होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत से स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, अभी हम वो भी देखेंगे, बहुत से ऐसी योजनाएं खासकर एनडीए गवर्नमेंट लेकर के आती है, उसको भी हम देखेंगे या डिस्कस करेंगे। तो मेघा जी हंसने का यही वजह है ना जो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक तो होना चाहिए। देखो कोई भी टॉपिक पढ़ो वो शानदार तरीके से मुस्कुरा के, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी बोरियत नहीं आनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट बना होना चाहिए इस टॉपिक में। अगर आप 1 घंटा मेरे सामने आप बैठो तो सब मजा आ जाए। ओके क्या लिखा है कल्पना जी, सिवाय सर की लाइव क्लासेस के ऑल क्लासेस टोटल फ्री पता नहीं क्या कह रहे हैं आप लोग, चलें खिलाफ। तो अब इनके इनके लाइफ में एक इंसिडेंट घटता है भाई, 8 साल का अगर कोई इंसान हो, लड़का हो, और उसके माता पिता की डेथ हो जाए तो आप समझ सकते हो कि कितनी क्रिटिकल कंडीशंस में उन्होंने आगे अपनी लाइफ जी होगी। तो ये है, फिर उसके बाद ही अटेंड हाई स्कूल इन सीकर राजस्थान, तो वो अपना हाई स्कूल राजस्थान से करते हैं, ठीक है ये याद रखिएगा। और फाइनली वो बीए की डिग्री लेने के लिए कानपुर आते हैं, वहां से एसडी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। एसडी कॉलेज कानपुर, अगर आप में से कोई कानपुर का होगा तो आप जानते होंगे, जिसको बोलते हैं सनातन धर्म कॉलेज, एसडी कॉलेज के नाम से फेमस है कानपुर में, सनातन धर्म कॉलेज से वो बीए की डिग्री वहां से लेते हैं। और फाइनली 1939 में वो मूव कर जाते हैं आगरा, आपके यूपी में पड़ता है आगरा, तो आप सब लोग जानते होंगे ताजमहल के लिए फेमस है, ठीक है। ही मूव्ड आगरा और वहां पे आगरा में ही जाते हैं सेंट जॉन्स कॉलेज में, ये मास्टर डिग्री खासकर इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर डिग्री के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये अपनी डिग्री वहां से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो 1939 में ये आगरा मूव करते हैं सेंट जॉन्स कॉलेज मास्टर डिग्री के लिए इंग्लिश लिटरेचर में, बट कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडीज। तो किन्हीं कारणों से ये क्या करते हैं अपनी स्टडी को नहीं कंप्लीट कर पाते। कल्पना जी मेगा पीडीएफ का बोला, अच्छा ठीक है। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं, वाइल्ड स्टडीइंग इन सनातन धर्म, याद रखिएगा जब ये एसडी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं कानपुर में, तो उसी के दौरान ही केम इनटू कांटेक्ट विद आरएसएस थ्रू ए क्लासमेट इन 1937, यानी कि ये 1937 में ये जब एसडी कॉलेज कानपुर में पढ़ रहे होते हैं तो इनका एक दोस्त होता है, वो आरएसएस से प्रेरित होता है, आरएसएस की विचारधारा से, और आरएसएस को ज्वाइन किया रहता है, तो उसी की वजह से ये आरएसएस के कांटेक्ट में आते हैं। और आप सब लोग जानते होंगे आरएसएस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, तो खासकर बीजेपी गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा नाम आपको सुनने को मिलता होगा। तो ही केम इनटू कांटेक्ट विद आरएसएस थ्रू ए क्लासमेट इन 1937, अपने क्लासमेट अपने एक सहपाठी की मदद से आरएसएस को वहां पे ज्वाइन करते हैं, आरएसएस से परिचय होता है। और वहीं पे फिर क्या होता है, वहां पे जो आरएसएस के फाउंडर होते हैं हेडगवार, ठीक है, केबी हेडगवार से वहां पे इनकी मुलाकात होती है, ही मेट आरएसएस फाउंडर केबी हेडगवार, ठीक है, 1937 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है, आजादी से पहले की बात। फिर उसके बाद ये आरएसएस के काफी विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और ये पूरी तरीके से आरएसएस को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये ही स्टार्टेड फुल टाइम वर्क इन आरएसएस फ्रॉम 1942। उसके बाद ये 1942 से आरएसएस में अपना फुल टाइम वर्क करने लगते हैं, मतलब कि जो आरएसएस की अपना ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह होते हैं और भी जो भी काम आरएसएस करती है, ठीक है, वो सारे के सारे मीटिंग में सारे के सारे वेरियस ट्रेनिंग कैंप को अटेंड करने लगते हैं और आरएसएस के प्रचार प्रसार में ये बहुत ही मन से लग जाते हैं। ही अटेंड वेरियस ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ आरएसएस, ठीक है, और ही बिकम ए लाइफ लॉन्ग प्रचारक ऑफ आरएसएस, और ये याद रखिएगा एक लाइफ लॉन्ग प्रचारक होते हैं आरएसएस के, और बनना भी चाहते थे और बाद में ये कहते हैं लाइफ लॉन्ग प्रचारक होते हैं आरएसएस के, बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने आरएसएस को प्रचार किया है, मतलब कि 1942 से 1942 आजादी के समय तक और उसके बाद भी। फाइनली ओके आगे फिर क्या होता है यहाँ पे हम भी देखते हैं, फिर 1951 में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते हैं, आपको मालूम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने एक पार्टी बनाते हैं वो भारतीय जनसंघ पार्टी, ठीक है, तो बीजेएस जिसको हम जानते हैं, हालांकि बीजेपी अभी देखेंगे बीजेपी के बारे में भी, लेकिन
भारतीय जनसंघ पार्टी ये बनाते हैं 1951 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके फाउंडर होते हैं, और वहां पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को वो एज अपॉइंट करते हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफिस यूपी ब्रांच। तो यूपी की शाखा से वो वहां को इनको सचिव महासचिव चुने जाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ पार्टी के, क्योंकि देखिए आरएसएस में इनका बहुत एक्टिव रोल होता है और बहुत ही एक्टिव तरीके से ये आरएसएस के लॉन्ग लाइन प्रचारक होते हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह में उनकी आइडियोलॉजी को बहुत तेजी से फॉलो करते हैं ये। तो इसी वजह से जो भारतीय जनसंघ पार्टी होती है वो टोटली आइडियोलॉजी आरएसएस पर बेस्ड होती है, और जिसकी वजह से इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है यूपी ब्रांच से। ओके, तो यहाँ पे कोई डाउट है किसी को कुछ? सुप्रियो क्या बोल रहे हैं? हेलो सर, मैं सब थिंकर्स की रिकॉर्डेड वीडियो खत्म करके पहली बार आपके लाइव में आया था। अच्छा, आप पहली बार आए हो मेरे लाइव में, तो भाई आपका स्वागत है और अच्छा लगा अगर आप पहली बार मेरे क्लास में आए हो। मैं चाहता हूँ पहली बार आए हो लेकिन लगातार आप बने रहो, ठीक है। 1939 का इंसिडेंट मैं रिपीट कर दूं? अच्छा वर्तिका जी, बिल्कुल मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों पीछे आ जाओ, कुछ लोगों की मांग है। 1939 में क्या हुआ था कि ये मूव करते हैं आगरा, बीए की डिग्री कहाँ से कंप्लीट करते हैं? एसडी कॉलेज, सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से, और वहीं पे आरएसएस के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद 1939 में ये आगरा जाते हैं सेंट जॉन्स कॉलेज मास्टर डिग्री के लिए, अपनी एमए को कंप्लीट करने के लिए, मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने के लिए इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो अपना मास्टर डिग्री वहां पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया, चलो आगे हम देखते हैं। भैया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कितनी बार आप लोग गुड मॉर्निंग करेंगे? अच्छा कुछ लोग अभी ज्वाइन करते हैं ना, तो इस वजह से ठीक है। भैया निशा पांडे जी और भी जो मेरे बाकी बच्चे, राजकुमारी जी गुड मॉर्निंग है आपका, स्वागत है, लेकिन टाइम का ख्याल रखा करिए आप लोग, ठीक है। ओके चलो भाई, अब हम यहाँ पे देख रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना करी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को क्या कर दिया एज अपॉइंट ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफिस यूपी ब्रांच, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं वो। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जब ये पार्टी में ज्वाइन कर जाते हैं भारतीय जनसंघ पार्टी, उसके बाद 1963 में क्या होता है? एक सेकेंड, नो सर, मनीष प्रजापत जी, अच्छा मीनाक्षी रावत ने बोला नो सर, क्या हुआ मीनाक्षी जी, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो 1963 में फिर जब ये पार्टी ज्वाइन कर चुके होते 1951 में, उसके बाद ये 1963 में 1963 में जौनपुर की जो सीट होती है लोकसभा, आप लोग जौनपुर जानते हैं ना, इसको इतिहास में सिराज ए हिंद बोला जाता था। देखिए जौनपुर की अपनी जबरदस्त एक हिस्ट्री है, सिराज ए हिंद बोला जाता था उसको बहुत पहले, खासकर दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। मतलब सिराज ए हिंद का मतलब होता है एजुकेशन का हब था, और आज भी अगर आप जौनपुर से जो लोग बिलोंग करते होंगे, कभी जौनपुर गए होंगे तो देखा होगा बहुत से पुराने पुराने स्कूल कॉलेज और वहां पे आपको मिलेंगे, और बहुत ही संकरी पतली पतली गलियां हैं, ठीक है। तो जौनपुर को सिराज ए हिंद बोला जाता, पूर्व का सिराज बोला जाता था इसको, एजुकेशनल हब था उस समय। तो वहीं से प्रेजेंट टाइम में ये जौनपुर यूपी में है, अगर आप नहीं जानते होंगे तो यूपी में है, ये चीज जान लीजिएगा। और ये वाराणसी के पास में है, सबसे खास बात तो इसकी अगर आपकी पहचान जाननी है, ये वाराणसी, इसको हम बनारस या वाराणसी या काशी जिसके भी नाम से जानते हो, जौनपुर सीट वहीं पास में ही है, वहां से 70 किलोमीटर होगा, 70-80 किलोमीटर जो भी हो अप्रोक्स। तो फिर वहां से ये इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन क्या होता है वहां से ये इलेक्शन क्या हो जाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हार जाते हैं, वहां से जीत नहीं पाते, ठीक है। जौनपुर सीट से इलेक्शन लड़ते हैं, वहां पे जीत नहीं पाते हैं। चलो अच्छा, वर्तिका सैनी जी कह रही हो माय गॉड आई एम फ्रॉम जौनपुर, अरे मतलब इतनी जबरदस्त इमोजीज में हंसते हैं आप लोग, अच्छा लगता है बच्चों कि आप लोग हंसते हैं। देखो तो हंसना चाहिए, मुस्कुराना रहना, मुस्कुराते भी रहना चाहिए, लेकिन हर वक्त नहीं, हम हर वक्त हंसेंगे तो लोग कहेंगे तो पागल आ गया, कहां से आ गया बच्चा ये, ठीक है इसको ले जाओ। पहले तो आगरा में पागल खाना था हम लोग ऐसे बोलते थे, लेकिन अब शायद रांची वगैरह में है कहीं, ये खैर मजाक का इशू है, हंसते हैं तो अच्छा लगता है। फिर आगे क्या होता है, फिर इलेक्शन वहां से ये जौनपुर की लोकसभा सीट से हार जाते हैं, और फाइनली ये 1967 में लोकसभा इलेक्शन होता है, और जनसंघ पार्टी की जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भी जो आरएसएस के विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, काफी मेहनत करते हैं और वहां पे ये ज्वाइन कर लेते हैं। याद रखिएगा ये आरएसएस को वहां पे ये पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये पार्टी ग्रो करती है जब 1967 का लोकसभा इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो भारतीय जनसंघ पार्टी ग्रो कर जाती है और इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी बनती है। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस 283 सीट जीतती है, हालांकि अब ये कितनी सीट जीतते हैं जनसंघ पार्टी 35। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम सीटें हैं, एक्चुअली कम सीटें तो हैं, लेकिन ये देखिए कि कितनी जल्दी ये पार्टी बनी और उसके बाद इतनी तेजी के साथ ग्रो कर गई, ठीक है। इनकी खास अपनी एक आइडियोलॉजी होती है,
और हम आगे भी देखेंगे, तो भारतीय जनसंघ पार्टी ग्रो कर जाती है, 35 सीट वहां पे जीतने में ये कामयाब हो जाते हैं। और उसी में सबसे खास बात होती है कि 1967 में ही दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये याद रखिएगा, भारतीय जनसंघ पार्टी के ये प्रेसिडेंट होते हैं 1967 में, और वही लोकसभा इलेक्शन होता है जिसके फिर बाद में वो 35 सीटें ग्रो कर जाते हैं। मतलब काफी एक्टिव मेंबर्स होते हैं आप देख रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय, और बचपन के स्कूल टाइम से ही मतलब कि पॉलिटिक्स में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, खासकर RSS की कैंप वगैरह में ये जाने लगते हैं। तो सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पे, आई होप अब आप लोग समझ में आ रहा होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। बाकी हंसते रहिए, यही इमोजीज तो बहुत अच्छी लगती है आप लोगों की, मीनाक्षी रावत जी एंड नो डाउट सर। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा लगता है कि आप लोग रिप्लाई करते रहते हो। बच्चों समझ में आ रहा है ना, मजा आ रही है टॉपिक पढ़ने में। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। एंड चलो बच्चे इसको रफ करते हैं। प्रतीक्षा जी का कमेंट नहीं आ रहा है, क्या वो है नहीं कि आप प्रेजेंट अभी? प्रतीक्षा जी आप हैं कि नहीं? बिल्कुल बोर तो नहीं होने दूंगा, ठीक है। इसी मेरी कोशिश भी रहती है कि पढ़ाते पढ़ाते मैं आप लोगों को बोर ना होने दूं, तभी तो आप लोगों को मजा आती है ना, तभी हमको भी अच्छा लगता है, तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। चलो क्लियर है, बहुत अच्छा। अब हम देखते हैं फिर 1967 में ये भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, वहां पर इनकी पार्टी बहुत ग्रो कर जाती है, 35 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनकर के लोकसभा इलेक्शन में उभरती है। अच्छा प्रतीक्षा जी हैं, ओके थैंक यू, हमें लगा कि आपका कमेंट नहीं आ रहा था तो मुझे लगा आप हैं कि नहीं। फिर 1968 में इनकी डेथ हो जाती है, और वो भी बहुत मिस्टीरियस डेथ होती है, कहने का मतलब एक रहस्यमयी तरीके से इनकी मौत हो जाती है और बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाता है मर्डर हुआ रहता है क्या हुआ रहता है। इनकी एक्चुअली बॉडी फाउंड पाई जाती है, हिज बॉडी वॉज फाउंड ऑन रेलवे ट्रैक नियर मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो आज जो मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जिसका प्रेजेंट टाइम में अभी हाल फिलहाल में हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। आप जानते होंगे मुगल सराय जंक्शन को, ठीक है, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसी वजह से और भी चीजें चेंज की गई हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वहाँ बॉडी वगैरह पाई जाती है। तो बहुत ही रहस्यमयी तरीके से इनकी डेथ हुई थी, आज भी इनके जो लोग हैं वो इनकी समय समय पर जाँच की मांग भी करते रहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। अभी तक मेरी जानकारी में मैंने जो स्टडी करी है, इनकी मौत का एग्जैक्ट रीजन तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ कि क्या रहा था और रिपोर्ट में क्या बोला गया, फिलहाल तो आप इतना जान लीजिएगा इनकी मौत एक रहस्यमयी तरीके से हुई थी, ठीक है। इनकी बॉडी डेड बॉडी पाई जाती है रेलवे ट्रैक नियर मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो ये सारी चीजें था। कोई कह रहा है सर पिलर नंबर 17 के पास कल्पना जी 283 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी, और भारतीय जनसंघ पार्टी उस समय 38 सीट जीती थी। ये देखिए मैं स्लाइड पीछे कर दे रहा हूँ, और मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ कि उस समय ये ग्रो कर रहे थे तेजी के साथ, भले ही कम सीटें थी लेकिन ग्रो कर रहे थे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा कैलाश देवी जी भी बोल रहे हैं सर यही है, सब लोग सुन रहे हैं, अच्छी बात है सुनते रहिए। जी हाँ मैं दीनदयाल उपाध्याय की ही बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो आगे हम यहाँ पे देख के चलते हैं, उसके बाद ये सारी की सारी चीजें हैं। अब हम दीनदयाल उपाध्याय के कुछ मेन वर्क्स को देखते हैं, इनकी स्पीचेस को, इनकी राइटिंग्स को यहाँ पे हम देख के चलते हैं। चले कंटिन्यू करते हैं भैया, इसको नोट डाउन भी करते रहिए, साथ ही साथ लिखते रहिएगा। कुछ मेन वर्क्स हैं, वर्क्स हैं स्पीचेस एंड इनके राइटिंग थे, काफी शानदार स्पीच देते थे ये। छात्र जीवन से ही इनका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो चुका था। इन्होंने जो इनकी जो राइटिंग है, जो स्पीचेस है, उनमें से एक है, ज्यादातर इन्होंने हिंदी में ही लिखा है, ठीक है। राष्ट्र जीवन की समस्याएं 1960 में पब्लिश हुई थी, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, राष्ट्र जीवन की समस्याएं। डेथ ईयर मैं रिपीट कर दूं, डेथ ईयर है फरवरी 1968 में इनकी मिस्टीरियस डेथ हुई थी, एक साल बाद ही इनके जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद। ओके प्रतीक्षा जी चले थैंक यू। तो इनके जो मेन वर्क्स के बारे में मैं बात कर रहा था वो राष्ट्र जीवन की समस्याएं थी, एंड 1960 में ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म 1965 में इन्होंने पब्लिश किया था, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा।
फिर तीसरी जो इनकी क्रिएशन थे, राष्ट्र जीवन की दिशा, जिसको हम द डायरेक्शन ऑफ नेशनल लाइफ बोलते हैं, राष्ट्र जीवन की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ नेशनल लाइफ 1971। ओके, ये की सारी चीजें थी। देन एक और इनकी मेन बुक है, फेमस बुक है, पॉलिटिकल डायरी 1968 में। अभी और भी है, उसको मैंने आगे लिख रखा है, उसको आगे भी पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे जो चीजें लिखा है उसको यहाँ पे लिखते रहिएगा। पॉलिटिकल डायरीज 1968, तो ये भी याद रखिएगा, पॉलिटिकल डायरीज 1968 में। ठीक है, दीनदयाल के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही सिंपल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही सिंपल इंसान थे, इनका स्वभाव काफी अच्छा था। ठीक है, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनके बारे में, ये राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उतनी गहरी अभिरुचि थी। कहने का मतलब, इनकी जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिक्स के साथ ही साथ, पॉलिटिक्स के साथ ही साथ भैया इनका लिटरेचर वगैरह में, साहित्य वगैरह में भी अच्छा खासा इनका इंटरेस्ट था। और इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी के लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, मतलब होते रहते थे। कितना अच्छे ये मतलब साहित्य थे, मतलब इनका साहित्य में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, काफी ज्यादा आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे ये, चाहे हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर में इनकी जो एडिटोरियल्स वगैरह थे या इनके आर्टिकल्स थे वो पब्लिश होते रहते थे, तो इस वजह से हम इनको यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, वर्तिका सैनी जी, 1942 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं हुआ था, 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, 1951-52 में प्रथम लोकसभा चुनाव होता है देश में। ठीक है, 1942 में तो हम आजाद ही नहीं हुए रहते, हम इलेक्शन कैसे करा लेंगे, समझ में आ रहा है। चलो, फिर क्या होता है, दीनदयाल के बारे में बोला जाता है ये सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, और पॉलिटिक्स के साथ साथ इनका साहित्य में भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, और इनके जो आर्टिकल्स थे, इनकी जो विचार थे, वो इनके हिंदी और इंग्लिश लेखों के माध्यम से विभिन्न विभिन्न मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में वो समय समय पर प्रकाशित होते रहते थे, पब्लिश होते रहते थे। और इनका जो व्यक्तित्व था, इनकी पर्सनालिटी थी, ऐसा कहा जाता है बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के। स्वामी दीनदयाल जी उच्च कोटि के दार्शनिक थे और एक बहुत जबरदस्त हाई थिंकर फिलोसोफर थे ये, तो इनके बारे में बोला जाता है कि उच्च कोटि के ये फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, और इनकी व्यक्तिगत यानी कि जो पर्सनालिटी थी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी। इनकी स्पीचेस, इनकी राइटिंग्स काफी क्रिएटिव हुआ करती थी। तो इन सारी के बारे में हमने आपको यहाँ तक समझाया है। तो अच्छा बच्चों, यहाँ तक आप समझ में आ गया है, तो चलो आपको हम इसको रफ करते हैं और आप लोग नोट डाउन अच्छे से करते रहो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो रही होगी, और बच्चों अगर क्लियर हो रहा होगा तो मजेदार तरीके से मैं आपको आगे और भी समझाने वाला हूँ। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी दीनदयाल जी उच्च कोटि के दार्शनिक थे, इसको भी नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं, जैसे मैंने कुछ नाम अभी आपको बताया है यहाँ पे, अब इनके पंडित दीनदयाल जी के विचारों के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार क्या थे, इनके थॉट्स क्या थे, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले देखिएगा एक कुछ करंट हाल फिलहाल की चीजें, आप सब लोग जानते भी होंगे कि हाल ही में हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है। ठीक है, हो सकता है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन सब लोग जानते ही होंगे, बहुत ज्यादा मैंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बता दी, आप सब लोग सुनते होंगे। हाँ, लेकिन ये चीज बहुत कम लोग जानते होंगे, एक्चुअली जो वो कांडला बंदरगाह है, जो सी पोर्ट है कांडला, उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय सी पोर्ट कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, कांडला बंदरगाह का नाम बंदरगाह होगा। ठीक है, ये आप इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग मुगल सराय जंक्शन को जरूर जान रहे होंगे, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया, लेकिन बहुत से कम लोग होंगे जो कांडला बंदरगाह के बारे में जानते होंगे, जिनका प्रेजेंट टाइम में भी बीजेपी गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ओके, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा बच्चों, कोई भी चीज छूटने की नहीं पाएगी। तो आगे हम इनके विचारों के बारे में पढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में सब कुछ समझ रहे होंगे, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो अभी तक मैंने इनके जीवन के बारे में, इनके बचपन के बारे में, इनके स्टडीज के बारे में, इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में जो बताया है, आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया होगा तो चलो भैया अब हम इनके थॉट्स के बारे में समझ लेते हैं। आइए अब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के थॉट्स के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। इनको जनसंघ की आर्थिक नीति का रचनाकार बताया जाता है, मतलब जो भारतीय जनसंघ पार्टी थी। ठीक है,
इनको उसी जनसंघ की आर्थिक नीति जो इकोनॉमिकल पॉलिसी थी उसका इनको क्रिएटर बताया जाता है, रचनाकार बताया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिकल पॉलिसी जो थी भारतीय जनसंघ की उसके ये रचनाकार थे। ठीक है, और उनका जो विचार था यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो विचार था वो ये कहते थे कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं फिर आपको यहाँ पे अच्छे से लिख दूं और समझा भी दे रहा हूँ इंग्लिश में, क्योंकि ये कंटेंट हिंदी में है तो इंग्लिश में भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इनका पॉइंट बहुत अच्छा था, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक इकोनॉमिकल पॉलिसी के इनको तो हमने रचनाकार बताया ही बताया है, साथ में मैं ये बता रहा था, इनका कहना था जो आर्थिक विकास है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इसको हम समझते हैं मेन ऑब्जेक्टिव। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो मानव है सामान्य जनरल ह्यूमन है वे ह्यूमन को सुख से उसकी हैप्पीनेस के बारे में ये बात करते हैं। याद रखिएगा साफ साफ कह रहे हैं आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य होगा सामान्य मानव का सुख है, यानी कि ये खुशियों की हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इनका और क्या विचार था। इन्होंने बोला कि एक ह्यूमन के वेलफेयर के लिए मानव के कल्याण के लिए अनेक विचारधाराओं को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखो अब यहां पे समझना यहां पे से, ठीक है ठीक है, आगे देखते हैं। उनका विचार था कि मानव कल्याण के लिए यानी कि एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत सी आइडियोलॉजी यहाँ पे विकसित हुई है और उनकी बहुत सी आइडियोलॉजी को विकसित होने का यहाँ पे अवसर प्राप्त हुआ है, मौका मिला है। जैसे कम्युनिज्म, साम्यवाद, आप लोग मैं पढ़ा चुका हूँ साम्यवाद क्या होता है, कम्युनिज्म, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, सर्वोदय, सबका उदय वाला कॉन्सेप्ट, तो ऐसी बहुत सी विचारधाराओं का भारत में विकसित होने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में ये सीट तो अपनी जगह है, लेकिन इनका कहने का मतलब था कि मानव कल्याण तभी हो सकता है जो संसार को संतुलित रख सके, बैलेंस रख सके, स्वस्थ और सुंदर बनाकर मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जा सकने वाला एकमात्र सनातन धर्म द्वारा प्रतिपादित जीवन कला, जीवन दर्शन ही है। इनका कहने का ये मतलब था कि ठीक है सारी अपनी अपनी विचारधाराओं का यहाँ पे विकसित होने का, डेवलप होने का मौका मिला और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी बात रखी है, लेकिन मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की वजह से हो सकता है, जो आपको एक बैलेंस, संसार को जो बैलेंस करता है, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल बनाकर इंसान को उसकी पूर्णता की ओर ले जा सकने वाला एकमात्र सनातन धर्म है। मतलब कि यहाँ पे टोटली ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि इनका कहने का मतलब है सनातन, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य का कल्याण कर सकता है, ह्यूमन के वेलफेयर के काम कर सकता है, संसार को बैलेंस कर सकता है, उसको हेल्थी रख सकता है, सुंदर बना सकता है, ऐसा इनका विचार था। ठीक है, अभी के ऐसे विचार को लेकर के बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है इनको। ठीक है, कि आप भाई आप क्यों किसी एक को ही क्यों सिर्फ सुप्रीमेसी दे रहे हो कि सनातन धर्म ही क्यों, तो फिलहाल हम उस पर नहीं जाते, लेकिन हर चीज को हम यहाँ पे समझेंगे, इनकी विचारों को हम देख रहे हैं तो इनकी नजरों में, क्योंकि ये देखिए आरएसएस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, आपको मालूम होगा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पूरी की पूरी जो उनकी फिलॉसफी होती है ना, कि उनकी पूरी फिलॉसफी हिंदुत्व की एक विचारधारा, जैसे सनातन धर्म को ही प्रमोट करना या सनातन धर्म से ही जो सारी चीजें होंगी उसका प्रचार प्रसार करना, तो ऐसा पंडित दीनदयाल के उपाध्याय के ये विचार थे। इनका ये मानना था कि ठीक है सारी की सारी विचारधाराएं का जन्म हुआ है भारत में, बहुत सी विचारधाराएं आई, कम्युनिज्म आया, पूंजीवाद आया, सर्वोदय आया, ठीक है, लेकिन मनुष्य का जो विकास होगा या उनका कल्याण होगा, ह्यूमन का वेलफेयर, वो सिर्फ सनातन धर्म के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है, ऐसा इनका पॉइंट मानना था। भैया जनसंघ पार्टी तो प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे ना, जनसंघ पार्टी कहां, वो धीरे धीरे जनता पार्टी बनी टूटते हुए, फिर बाद में 1977 में जनता पार्टी, उसके बाद वो फिर भारतीय जनता पार्टी जिसको आप बीजेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो ना भारतीय जनता पार्टी, अगर आप में से किसी को नॉलेज हो कि जनसंघ पार्टी अभी भी एग्जिस्ट, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उसके बाद धीरे धीरे ये पार्टी का पूरे तरीके से जो आज भारतीय जनता पार्टी है, बहुत सी पार्टियों का विलय है ना उसमें, कई चीजें जो एंटी कांग्रेस जिनकी नीतियां थे उस समय कांग्रेस के खिलाफ, उस समय कोएलिशन गवर्नमेंट के फेवर में थे,
जब मैं आपको लोहिया जी और वहां पढ़ा रहा था उनके बारे में, क्या बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, तो उस समय एंटी कांग्रेस की फीलिंग थी ना कि कांग्रेस ही क्यों देश पे राज करेगी या कांग्रेस ही हर बार क्यों आती है। तो कॉलिशन गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार का समर्थन किया था वहां पे जयप्रकाश नारायण ने, लोहिया जी ने, ठीक है। तो ऐसे बहुत से उस समय लोग थे जो इन चीजों को, तो ये सारी चीजें हैं। थर्ड पॉइंट इंग्लिश में बता दीजिए प्लीज। अच्छा बता दे रहे हैं, बाकी अगर आप लोगों को मालूम हो तो बताइएगा मुझे। वर्तिका सैनी जी सुप्रियो कह रहे हैं सर थर्ड पॉइंट इंग्लिश में बता दीजिए। थर्ड पॉइंट भैया, थर्ड पॉइंट यही तो बता रहा हूँ कि जो ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं उनका मतलब है कि जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए अनेक विचारधाराओं को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ, यानी कि जो मानव का जो कल्याण हुआ है बहुत सी विचारधाराओं की वजह से हुआ है, जैसे उसमें कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है और भी बहुत सी विचारधाराएं। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि एकमात्र जो सबसे बेहतरीन और सबसे सही है वो सनातन धर्म बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब वो सनातन धर्म को बोल रहे हैं कि इसकी वजह से ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों का विकास हो सकता है और बैलेंस बनाया जा सकता है, ऐसा इनका कहना था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें थी। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जिन्होंने पूछा, वर्तिका जी, सुप्रियो जी, प्रतीक्षा जी, सारी चीजें क्लियर हो रही ना कि इनके विचार क्या थे। और इन्होंने बोला ही बिल्कुल भैया, एकमात्र जो सहारा होगा वो सनातन धर्म होगा जो संतुलित बना सके। चलो अब हम आगे देख के चलते हैं, इनके बारे में और देखते हैं। एक्चुअली ये एक पत्रकार के साथ साथ एक लेखक भी थे, ये एक रिपोर्टर थे, एक पोएट भी थे, ठीक है। बहुत अच्छी स्पीच देते थे, इनकी राइटिंग, स्पीचेस, इनके वर्क्स बहुत ही आपने देखा शानदार तरीके से अपनी बात को रखते थे और पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। पॉलिटिक्स के साथ साथ इनका साहित्य में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। समय समय पर चाहे हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या एडिटोरियल इनके मैगजीन पब्लिश हुआ करते थे। ये सारी की सारी चीजें हैं। मतलब अब आप सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आगे हम देख के चलते हैं फिर क्या है। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि सारी चीजें क्लियर हो गई जनसंघ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार के बारे में। अगर सब चीजें क्लियर हो गई हैं तो आइए अब हम इनकी थोड़ा सा कुछ और प्रसिद्ध किताबें, मेन वर्क्स यहाँ पे और लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पे कुछ इनके और मेन वर्क्स, कुछ बुक्स हम यहाँ पे देखते हैं, तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तो थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखवाया था, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। दो योजनाएं, ठीक है, इनकी प्रसिद्ध किताबें हैं। सम्राट चंद्रगुप्त, एक प्रेम कथा, जगत गुरु शंकराचार्य। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, इंग्लिश हिंदी नाम यही होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप ज्यादा कुछ इसमें बताना नहीं है। अब तो दो योजनाओं के बारे में देखा, सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में देखा, एक प्रेम कथा देखा, जगत गुरु शंकराचार्य देखा, ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे इनके मेन वर्क या इनके फेमस बुक्स में देखा। ओके बच्चों, चलो बहुत अच्छा, बहुत शानदार तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि वाकई मजा आ रही है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो बच्चों लाइक कर दो। अगर लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो तो भैया लाइक कर दो। और जिन्हें लगता है कि वाकई समझ में आ रहा है, मजा आती है सैर सर की क्लास में, ऐसे जितने बच्चों का मानना है वो इसको शेयर भी कर दो, ठीक है। तब तक कि आप लाइक शेयर करते रहो, हम रफ करके आगे बढ़ते रहें और आपको बहुत शानदार तरीके से आगे समझाते रहें। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं, प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है, खासकर जिसको हम एनडीए गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे आपको मालूम होगा ना, हमारे देश में दो बड़ी पार्टियां, हालांकि और भी पार्टियां हैं, लेकिन इसे आप यूपीए के नाम जानते होंगे एंड एनडीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। आप इन दोनों का नाम भी जानते होंगे, जिनको हम इसको कांग्रेस के नाम से जानते हैं, मतलब मेन पार्टी कांग्रेस है, यहाँ पे मेन पार्टी बीजेपी है। तो एनडीए गवर्नमेंट जब भी आती है सत्ता में, केंद्र में, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि जो उनकी आइडियोलॉजी से खासकर प्रेरित होते हैं, वो उनको ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब जो चीजें रिलेवेंस ज्यादा हो जाएंगी वो आपकी यूजीसी सिलेबस में भी आ जाती है और फिर आपसे क्वेश्चन भी वहां से पूछा जा सकता है। इसलिए अवेयर रहिएगा, तैयार रहिएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के लिए। अब हम देखते चलते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है, मतलब एनडीए हम इसलिए बोलते हैं कि कई पार्टी, मतलब कई ऐसी पार्टी हैं, उनका गठबंधन कॉलिशन पूरा का पूरा होता है, ठीक है। अब देखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं लाई गई हैं, तो अब हम भैया कई स्कीम्स और पॉलिसीज को यहाँ पे देखेंगे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड है। तो आप लोग करंट का भी इश्यूज कह सकते हैं आप इसको, या आप इनके बारे में जान सकते हैं और भी चीजें। ओके बच्चों, चलो अब हम देखते हैं। आप सबने सुना होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब देखो भैया, पहली योजना का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंग्लिश में भी,
ग्राम ज्योति, ग्राम ज्योति योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केंद्र सरकार ने लाई 20 नवंबर 2014 को, ठीक है, समझ में आया? ओके, फिर क्या हुआ था, अब हम इस योजना में भी समझ लेते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा सा देखो करंट पढ़ा रहे हैं आपको, है, जैसे हम जब करंट पढ़ते हैं तो किसी दिन मैं आपको एक करंट अफेयर्स पे, बच्चों याद रखना, करंट अफेयर की एक स्ट्रेटजीज पे लेक्चर दे दूंगा बहुत शानदार तरीके से, कि चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो या आप और कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम इंडिया में देते होंगे, तो आपको करंट कैसे पढ़ना है, क्या सोर्स होने चाहिए, क्या चीजें पढ़ना है, क्या चीजें नहीं पढ़ना है, क्या क्या डायमेंशन है, उसको भी मैं कवर करा दूंगा। आधे घंटे के एक लेक्चर बना दूंगा आप लोगों को, शायद रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए या लाइव मिल जाए, जैसे भी होगा मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। और अब कुछ इसके अलावा मैं आपके टॉपिक के अलावा भी अब आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल चीजें वो जल्द ही ऐसे अलग अलग लेक्चर्स लेकर के आया करूंगा आपके सामने, जो आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजों के बारे में आपको जानकारी होती रहे। तो जल्द ही ये चीजें इंप्लीमेंट मैं करूंगा, नए साल में मैंने सोचा है कुछ नया करने को। तो टॉपिक तो चलेगी, नो डाउट ये टॉपिक चलेगी, लेकिन साथ में कुछ बहुत और भी चीजें चलेंगी। मीनाक्षी जी, एनडीए 2004 नहीं है भाई, यहां पे मैंने 2014 लिखा, 20 नवंबर 2014। ठीक है, ओके, फिर ग्राम ज्योति योजना के बारे में बता रहा था 20 नवंबर 2014 के। एक्चुअली इस योजना का जो मकसद था वो भारत के जो रूरल एरियाज थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो रूरल एरियाज थे भारत के, ग्रामीण क्षेत्र थे, उसमें जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जो उपभोक्ता होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत आपूर्ति कराने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए ग्राम ज्योति योजना लाई गई थी रूरल एरियाज में खासकर। और ये योजना के कांग्रेस गवर्नमेंट, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उसकी जो योजना चल रही थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, योजना का नाम ही यही है, याद रखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर लाया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ओके, इसका मकसद वही था दोनों, जैसे राजीव गांधी का मकसद जो था कि रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, उसको वहां पे प्रोवाइड कराना है, तो विद्युत आपूर्ति कराने के लिए ये योजना केंद्र सरकार लेकर के आई थी। आई होप अब आपको ग्राम ज्योति योजना भी समझ में आ गया होगा और ये किसके नाम पे है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ चीजें अभी मैंने बताया है, कुछ बंदरगाह और रेलवे स्टेशन का नाम, तो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड थे, तो आप उसको भी जानते रहिएगा। चलो बच्चों, इसको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। और आप लोगों के कमेंट बता रहे हैं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रही है। और बच्चों जब समझ में आ रही है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप सुप्रियो जी, आप बंगाल से हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी तो बोल रहा हूँ, टर्म्स इंग्लिश में मैं बोलता रहता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। बंगाली वर्ड वाकई, मतलब अपने इंडिया का कल्चर वाकई जबरदस्त तरीके से बहुत खूबसूरत है, मतलब हर जगह की अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं, मजा आती है, सीखने का मौका भी होना चाहिए इंसान के पास। और इंटरेक्ट देखिए, हम यहाँ पे देखिए अनअकैडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से हम बैठे बैठे देखिए यहाँ पे हम पूरे इंडिया के लोगों से रूबरू हो लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, तो बिल्कुल अच्छी चीज है सारी चीजें। ओके, सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे देख के चलते हैं केंद्र सरकार की जो योजनाओं के बारे में मैंने बताया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना उसको मैं कवर करा चुका हूँ, आगे कुछ योजनाओं के बारे में और देखता हूँ। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है अगली योजना का नाम है, आप लोग देख रहे होंगे, हिंदी में नहीं समझ पा रहा हो तो इंग्लिश में भी लिख दूंगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, अंत्योदय अंत्योदय योजना, ये इंग्लिश में भी अंत्योदय योजना ही बोलेंगे, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसका जो मकसद था वो क्या था बच्चों, स्किल डेवलपमेंट करना था, याद रखिएगा, स्किल डेवलपमेंट ही इसका मकसद था, यानी कि कौशल विकास, ठीक है। और जब आपकी जब स्किल डेवलप हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगी भैया, जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको कम करने में ये योजना मददगार होगी। कहने का मतलब 500 करोड़ रुपए इसके लिए क्या किए गए थे, इशू किए गए थे पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना में, और आप ये योजना बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप सबने पढ़ा होगा। ओके चलो भाई, सब अब अपना अपना स्टेट का नाम लिखने शुरू कर दिया है, सुप्रियो जी बंगाल से हैं, मनीष प्रजापत सर राजस्थान, ओके
मीनाक्षी रावत जी क्या कंफ्यूजन हो गया आपको? बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीनाक्षी रावत जी क्या कंफ्यूजन हो गया आपको, आप बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तब तक कि मैं इसको समझा रहा हूँ आप कमेंट करते रहिएगा, स्लो चलता है यूट्यूब पे। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना में क्या है, ये एक स्किल डेवलपमेंट योजना थी, लोगों के कौशल में विकास कर दिया जाए। अगर लोग स्किल्ड हो जाएंगे, अगर लोग मतलब कहते हैं कि कौशल हो जाएगा उनके अंदर, किसी काम करने को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो जिससे वो रोजगार पा सकते हैं, रोजगार से वो अपनी गरीबी को कम कर सकते हैं और देश की समस्याओं को भी वो समाधान कर सकते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए की 500 करोड़ रुपीज की इसके लिए इस योजना को लॉन्चिंग किया था। ओके, ओके प्रतीक्षा जी, थैंक यू थैंक यू। फिर आगे हम यहाँ पे देखते हैं फिर क्या हुआ। तो स्किल डेवलपमेंट पॉवर्टी को कम करने के लिए है, और आप भी, मैं आपसे भी कहूंगा, देखो स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज है। क्यों बच्चों, स्किल डेवलपमेंट, स्किल का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं होता। जैसे कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है या कोई भी टेक्निकल वर्क में कोई काम, इंजीनियर है हमारे देश में, डॉक्टर है, या जो भी जिस चीज को वो काम कर रहे हैं, अपने वर्क को कर रहे हैं, अगर उस काम में वो स्किल्ड हो ना, तो हमारे देश में देखिएगा कोई काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। जैसे अगर मान लो, अगर आपको बहुत स्किल्ड टीचर पढ़ाएं, और ऑब्वियस ही बात है अनअकैडमी में तो आपको स्किल्ड टीचर मिलते हैं, ऐसे ही कोई ही कोई नहीं आ जाता आपको अनअकैडमी पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड होते हैं तो वो फिर आपको नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से दे पाते हैं, और जब नॉलेज और कंटेंट आपको अच्छा दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसी हिसाब से अगर हमारे देश में इंजीनियर भी स्किल्ड हो, डॉक्टर भी अच्छे तरीके से स्किल्ड हो, सारे के सारी जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियन हो वो भी तो स्किल्ड हो भैया, जितने जो लोग स्किल्ड होंगे उससे उतना जबरदस्त इफेक्टिव काम होगा, और काम जब जबरदस्त होगा तो उसका रिजल्ट भी तो अच्छा आएगा। तो ऐसे हमारे समय में मतलब बहुत ज्यादा लोग जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन अगर वो किसी काम में करने में माहिर हो, सरकार देखिए भारत सरकार योजनाएं लाती रहती है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं लेकिन वो किसी काम को करने में स्किल्ड हो जाए, ड्राइविंग में स्किल्ड हो जाए जिससे वो रोजगार कर सकें, किसी जैसे बुनकर वगैरह ठीक है वो उसमें स्किल्ड हो जाए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में वो स्किल्ड हो जाए, छोटी छोटी चीजों में स्किल्ड हो जाए, तो बच्चों वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी गरीबी को बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, तो इससे देश का विकास होगा। तो बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट तो होना चाहिए हमारे यहाँ। ओके कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रतीक्षा जी, सब कुछ समझ में आप समझ में आ रहा है। आगे हम देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, इसको इंग्लिश में भी श्रमेव जयते प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। श्रमेव जयते, जैसे आपने सत्यमेव जयते सुना होगा ना, उसी से रिलेटेड है ये। तो ये एक्चुअली श्रमेव जयते है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है, यानी कि औद्योगिक विकास के लिए है, यानी कि उद्योगों के विकास के लिए भी सरकार ध्यान देती है, और उसके नाम से भी योजना लाई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से श्रमेव जयते कार्यक्रम। इसका मतलब है कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं उसका भी डेवलपमेंट किया जाए, उसके लिए भी काम अच्छे से किया जाए, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये योजनाएं हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे हम बढ़ते हैं, एक और योजना को यहाँ पे देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना। स्वनियोजन का मतलब यहाँ से है अपने, जैसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत योजना भी आई है ना, आपने देखा होगा अभी, ठीक है। तो इसे स्वनियोजन का मतलब होता है स्वरोजगार, यानी खुद से आपको रोजगार, मतलब आप इस काबिल बन जाएं कि रोजगार को मतलब खुद से क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, जो स्वरोजगार है हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट है, उसको बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना लेकर क्या है। इनके नाम से स्वस्थ योजना भी चल रही है, मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है चल रही, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, जरूरी नहीं कि मैं सारी योजनाओं के बारे में मैंने पढ़ ही रखा हो या आपको मैं लिखवा दूं, बिल्कुल इतना तो जानता हूं कि कई योजनाएं चल रही हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, ठीक है। खासकर इस एनडीए गवर्नमेंट में तो बहुत सारी योजनाएं उनके नाम से चल रही हैं, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से योजनाएं चल रही हैं, इनके नाम से योजनाएं चल रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से योजनाएं चल रही हैं, तो ये चीजें हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट में जैसे राजीव गांधी के नाम से योजनाएं चलती है ना, इंदिरा गांधी के नाम से योजनाएं चलती हैं, ऐसे बीजेपी गवर्नमेंट में इनके नाम से योजनाएं चलती हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो हम सारी के सारी योजनाओं को यहाँ पे देख रहे थे, खासकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड। आई होप आप लोग आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में भी पढ़ लिया, उनके पॉलिटिकल थॉट्स को भी देख लिए, उनके और विचारों को भी देख लिया, और साथ ही साथ हमने आपको आज करंट से कुछ पॉलिसीज को भी यहाँ करवा दिया, और मैंने आपसे बोला है कि बहुत जल्द ही आपको एक स्ट्रेटजी का वीडियो लेकर के आऊंगा करंट अफेयर्स के लिए, कि आपको किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या एनटीए नेट ही एग्जाम क्यों ना हो, तो बच्चों आपको करंट कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है,
तो जल्द ही आपको वह लेके आऊंगा, और साथ ही साथ पेपर टू की स्ट्रेटेजी पे भी वीडियो लेकर के आऊंगा, और मैंने कुछ नया साल पे नया सोचा है तो मैं उसको जरूर पूरा करूंगा, मिलेगा धीरे धीरे, लेकिन सब कुछ मैं आपको दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से अब आप लोग कमेंट करके बता दो क्या आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हो। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो बच्चों अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देते हैं 5 मिनट के अंदर, और फिर मैं आपको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और 4 बजे वाली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। ओके, जल्दी से। ओके, थैंक यू वर्तिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए भी शुक्रिया। तो चाहे वो इन्वायरमेंट का वीडियो हो मेरा, पॉलिटिकल साइंस का हो, स्पेशल क्लास हो, ठीक है, तो बहुत सब जगह आपको बहुत शानदार तरीके से मैं आपको देता देने की कोशिश करता हूँ, आगे भी दूंगा। फोर्थ पॉइंट के नीचे थोड़ा बता देंगे प्लीज? बिल्कुल बता देंगे। मैंने बोला था स्वरोजगार को लेकर के, खुद से जो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं आई हैं, ठीक है, चले। ओके, थैंक यू, मतलब आपको सब लोग सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। चलो बच्चों, जल्दी से 5 मिनट के अंदर हम क्यों रिविजन कर लेते हैं, और फिर आपको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे पहले रफ कर रहा हूँ और तेजी के साथ आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। जल्दी से थोड़ा सा बैक हो जाओ। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बहुत तेजी समझते हैं। He was born in 1916 in the village of Nagla Chandarban, now called दीनदयाल धाम, near मथुरा डिस्ट्रिक्ट। इस समय मथुरा दीनदयाल धाम के नाम से वो जगह जानी जाती है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। 1916 में इनकी पैदाइश हुई थी, और जो जिस गांव में ये पैदा हुए थे उसका नाम नागला चंद्रमन है, ठीक है। एंड इनके फादर का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय, वो एक एस्ट्रोलॉजर थे। मदर राम प्यारी उपाध्याय हाउस वाइफ थी, और लेकिन जब ये 8 साल के होते हैं इनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, इनके माता पिता की डेथ हो जाती है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, ही अटेंडेड हाई स्कूल इन द सीकर, राजस्थान में वो अटेंड करते हैं हाई स्कूल, और अपनी बीए की डिग्री के कंप्लीट करने के लिए वो कानपुर जाते हैं, सनातन धर्म कॉलेज को अटेंड करते हैं। वहां से मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए 1939 में ये आगरा मूव करते हैं सेंट जॉन्स कॉलेज में, लेकिन इंग्लिश में लिटरेचर करना चाहते थे, लेकिन इनकी मास्टर डिग्री वहां पे कंप्लीट नहीं हो पाती है। फाइनली जब ये सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो ये आरएसएस के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं अपने क्लासमेट के थ्रू 1937 में। ओके, फिर क्या होता है, उसी दौरान ये आरएसएस के फाउंडर केवी हेडगोवर से वहां पे इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद क्या होता है, देखते हैं। प्रतीक्षा जी कुछ कह रही है, सर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल अटेंड पेपर फर्स्ट क्लासेस रेगुलरली, थैंक यू सो मच सर, टुडेज बायोडायवर्सिटी लेक्चर वाज वंडरफुल। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना सम्मान देने के लिए। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और आपका फर्स्ट लेक्चर था प्रतीक्षा जी मेरा वहां पे, मतलब आपकी मेरी क्लास में आपका, आज आप पहली बार आई थी, तो पेपर वन क्लासेस बच्चों आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मजा आ रही है पेपर वन में। देखिए मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप मुझे पेपर वन की क्लासेस में भी ज्वाइन करें, स्पेशल क्लास में तो बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलें, ऐप पे पढ़ने में मजा ही कुछ और है, समझ में। स्पेशल क्लास में आइए, बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे हम देखेंगे। थैंक यू आप सभी का इतना प्यार इतना सम्मान देने के लिए, ठीक है, वाकई बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरीके से सम्मान देते हैं। चलो बच्चों, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, ठीक है। फिर हम देख के चलते हैं, ही स्टार्टेड फुल टाइम वर्क इन आरएसएस फ्रॉम 1942, तो वो आरएसएस में फुल टाइम वर्क करने लगते हैं 1942 में, ये भी याद रखिएगा। और ये ही अटेंड वेरियस ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ आरएसएस, आरएसएस के जो ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह होते हैं कैंप्स, ठीक है, ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह में ये पार्टिसिपेट करने लगते हैं, और लाइफ लॉन्ग प्रचारक के रूप में उभर के आते हैं। और उसी दौरान 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी की नींव रखते हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कार्यों को देखते हुए, इनकी एक्टिवनेस को देखते हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इनको अपॉइंट करते हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूपी ब्रांच का इन्हें, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। उसके बाद जौनपुर से लोकसभा सीट इलेक्शन लड़ते हैं पर ये जीत नहीं पाते हैं। फाइनली 1967 में इनको जनसंघ पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और उसी समय भारतीय जनसंघ पार्टी बहुत तेजी से ग्रो कर जाती है और 35 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है, ठीक है। और वहां पे कांग्रेस 283 सीट जीती है उस समय, लेकिन ये तीसरी भारतीय लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरती है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यहाँ से अहमियत और ज्यादा बढ़ने लगती है। एंड फाइनली फरवरी 1968 में क्या होता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक मिस्टीरियस डेथ हो जाती है, बहुत ही रहस्यमय तरीके से इनकी डेथ होती है। इनकी बॉडी वहां पे रेलवे ट्रैक पे पाई जाती है, मुगल सराय जंक्शन के रेलवे स्टेशन को, जहां पे प्रेजेंट टाइम में नाम भी चेंज कर दिया गया है, आप सब लोग जान रहे होंगे।
श्वेता निमेश जी, मेरी क्लास एन एकेडमी पे अभी तो मैं सैटरडे संडे ले रहा हूँ, मॉर्निंग में 10 बजे से 11 और फिर 11:30 से 12:30, ठीक है। लेकिन मैं क्लासेस का टाइम सैटरडे संडे के अलावा अभी मैं बीच बीच में आपको एक्स्ट्रा समय भी देता रहूंगा ऐप पे भी, कि जो आपकी स्पेशल क्लास भी कंप्लीट होती रहे, तो बेफिक्र रहिएगा, बैलेंस बनाते चलेंगे और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपने देखा होगा लगातार कंटिन्यूसली सैफ सर आपको पूरे एक महीने से ज़्यादा समय से आपको किसी भी दिन बिना ब्रेक के सब कुछ देते रहते हैं, हैं? अगर YouTube पे नहीं आता है तो स्पेशल क्लास में लाइव आ जाता हूँ, वहाँ पे भी मिल जाती है, मिलेगी, एब्सेंट नहीं होगा मैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से मैं दे दूंगा। फिर क्या होता है, फिर इनके कुछ मेन वर्क्स को देखते हैं, राष्ट्र जीवन की समस्याएं 1960 में पब्लिश होती हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म 1965 में पब्लिश होती हैं, राष्ट्र जीवन की दिशा द डायरेक्शन ऑफ नेशनल लाइफ 1971 में पब्लिश होती हैं, पॉलिटिकल डायरीज 1968 में इनकी पब्लिश होती है। दीनदयाल के बारे में बोला जाता है कि काफ़ी सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे, वो पॉलिटिक्स के साथ साथ लिटरेचर में भी इंटरेस्ट रहते लगता था उनका, ठीक है। फिर वो हिंदी और अंग्रेजी में उनके बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पर्सनालिटी थी और ज़बरदस्त तरीके से एक दार्शनिक फिलोसफर भी थे। और फिर मैंने आपको नाम बताया है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, जंग मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। इनके जो विचार थे, ये आर्थिक विचार का रचनाकार बताया जाता है, इनका जो आर्थिक विचार का मेन ऑब्जेक्टिव था वो ह्यूमन में हैप्पीनेस लाना था, मनुष्य में, और इनका कहने का मतलब था जो ह्यूमन वेलफेयर हो सकता है वो बहुत सी विचारधाराओं की वजह से हुआ है, जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, सर्वोदय वगैरह, लेकिन जो सनातन धर्म है उसकी वजह से बोला है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ और संतुलित रूप से एक मनुष्य का कल्याण हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें ये हमने उपाध्याय जी के विचारों में देखी है। ये एक पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, साथ ही साथ इनकी कुछ और प्रसिद्ध किताबों को यहाँ पे हमने देख रहे हैं, दो योजनाएं, सम्राट चंद्रगुप्त, एक प्रेम कथा, जगत गुरु शंकराचार्य, ये सारी की सारी इनके मेन वर्क्स थे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे इनके कुछ योजनाओं के बारे में देखा, जैसे केंद्र सरकार द्वारा कुछ योजनाएं थी, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जो गाँवों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिसिटी को वहां पे पहुंचाना, आपूर्ति करना, और ये राजीव गांधी योजना के जगह पे इनको लाया गया है। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, गरीबी को कम करना है, दीनदयाल श्रमेव जयते प्रोग्राम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के है, एंड फाइनली दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन, यानी कि खुद का जो स्वरोजगार है उसको बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये पॉलिसीज लाई गई है। देखो बच्चों, 5 मिनट के अंदर हमने आपने रिविजन भी कर लिया, अब मेरा यहाँ पे आपसे विदा होने का वक्त आ रहा है। जल्दी से बच्चों लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो और कमेंट करके सारे के सारे चीजें बता दो, मजा आ गई लेक्चर की। और अगर बच्चों मजा आ गई है तो जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, उससे क्या होगा सैफ सर के अपकमिंग वीडियोज आपको पता चलेंगे। और बच्चों इतनी मेहनत से पढ़ाई करो कि एन अकेडमी का जो उद्देश्य है लेस क्रैक इट वाला, वो लेस क्रैक इट फुलफिल हो जाए, ओके। एंड लास्ट में जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, और उससे पहले प्रतीक्षा जी ने काफी लंबा चौड़ा कमेंट कर दिया है, पढ़ना जरूरी है प्रतीक्षा जी का कमेंट। सर रियली यू आर द वर्किंग हार्ट फॉर अस, वी आर रियली गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट सच थिंग इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच सर। ओहो प्रतीक्षा जी, इतना जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट। चलो भाई बहुत अच्छा लगा प्रतीक्षा जी, खासकर आप जैसे और भी स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे मेरी बातों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ठीक है। आए लेक्चर दिया चले गए और आप पढ़ के चले गए, ये नहीं होना चाहिए। हम यहाँ अगर आए हैं, आप मुझे 1 घंटा वक्त दे रहे हो अपना, मैं आपको कुछ आपके लाइफ से रिलेटेड भी कुछ चीजें आपको मोटिवेट कर सकूं, मैं आपको यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप भी कर सकूं और साथ ही साथ अच्छे बुरे के बारे में आपको फर्क भी समझा सकूं, तो बच्चों मेरा पूरा सहयोग मैं आप करने के लिए आपका तैयार हूँ। बस आप इसी तरीके से अपना प्यार सम्मान बरकरार रखिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा, और हाँ बच्चों प्लस पर एडमिशन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, प्लस पर जितनी जल्दी एडमिशन ले लेंगे आपको बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाएगी, ये याद रखिएगा। और वहां पे मेरा रेफरल कोड सैफ10 है, तो जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड सैफ10 यूज करोगे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। आप वहां पे मुझसे और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ फिर मिनिमम 12 मंथ का प्लान लीजिएगा। जो लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के मूड में है, मन बना रहे हैं कि आप सब्सक्रिप्शन हमें ले लेना चाहिए और वाकई आपको सीरियस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो बच्चों बिल्कुल प्लस पे आ जाइए और वहां आप मुझसे या इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ने वाले हैं, सारी कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और बहुत जबरदस्त तरीके से इंटरेक्शन होगा वहां पे बच्चों, याद रखिएगा। और हाँ मेरा सैफ कोड
यानी कि सैफ 10 तो मत भूलिएगा, और मेरे इस कोड को भैया खूब प्रचार प्रसार कर दो, तो मैं भी यहाँ पे अपना प्रचार कर रहा हूँ सैफ 10, ठीक है। मैक्सिमम रेफरल कोड आप सैफ 10 यूज कर सकते हो, यहाँ पे 10% आप एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑफ पा सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 4 बजे फिर आएंगे, और ऑब्वियस सी बात है 4 बजे तो मैं यूजीसी नेट के चैनल पे आऊंगा ही आऊंगा, और आज हम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में अब हम 4 बजे पढ़ेंगे, तो गाइस अनअकैडमी यूजीसी नेट के चैनल पर फौरन आ जाइएगा ठीक 4 बजे। ओके, अब आपसे यहाँ पे विदा लेने का वक्त आ गया है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।